डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मडीना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग का सोचने का तरीका है, और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। तो इसीलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक ब्रेन रूल्स बताए हैं जिन्हें जान के और फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या जॉब वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या इवन टीचर, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान करके आपकी लाइफ को, आपको और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वो 12 रूल्स। रूल नंबर 1, हम इंसानों का दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों के इवॉल्व यानी कि विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक्स भी पहले से इवॉल्व और अलग हुई हैं। चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है, और यही हमारे सर्वाइवल का भी रीजन है, चाहे फिर वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा आज। हमारा एक्शंस को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना ही हमारी हजारों सालों से सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए मदद मिले और जिंदा रहने के लिए कि हम अपने जीन्स को आगे भी बढ़ा सके। और अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग हमारे गोल्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर हमारे यही रिलेशंस, कनेक्शंस और अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही ना हो, तो वो ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन और हमारी लाइफ दोनों को बेकार बना देता है, और यही चीज हमारी वक्त से पहले डेथ का भी रीजन बन सकती है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर्स ने 2 तरीके की पॉपुलेशन पे एक स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए का कॉग्निटिव स्कोर ज्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन 30 मिनट भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के सोचने और सीखने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, अच्छी नींद हमारे सोच को सही और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने के कारण ब्रेन, हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी, मूड और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ डैमेज करता जाता है। एक स्टडी में ये तक पता चला कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप नैप लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हो या दोपहर में आपके सोने का मन करता है तो ये कॉमन है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जगे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर की झपकी जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मरीना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता, वो दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजें लर्न कर रहा होता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नैप्स लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन लगभग सिर्फ 30 सेकंड्स तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए ही बना है, ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में, क्लास में या जॉब में आपको रोजाना काफी ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो यही स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी इफेक्ट करता है। मतलब अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपकी जॉब में या क्लास में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की एबिलिटी कमजोर होने लग जाती है। तो अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं है और इस बात का आपको स्ट्रेस होता है तो उन्हें ठीक करो, और अपने घर का स्ट्रेस अपने ऑफिस या क्लास में लेके मत जाओ। जिन चीजों और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया गया था कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है,
लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों का भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहाँ हमारे इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट और एग्जाम्स के मार्क्स एंड परसेंटेज से नापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का या कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, जिस वजह से बिजनेसेस लाइक Amazon वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों की इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्ट जान के सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तभी अगर हम सिर्फ एक बार किसी प्रोडक्ट को Amazon या कोई और साइट में सिर्फ देखते हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमें दिखाई देता है। रूल नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हुआ हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका ब्रेन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन क्वेश्चंस पे फोकस करता है, जैसे क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, या क्या मैंने इसे देखा है, और इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी ऑफिसेज और स्कूल्स मल्टीटास्किंग करना एनकरेज करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी गलती और फेलियर के चांसेस 50% तक बढ़ा देती है। रूल नंबर 7, हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद रखने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ज्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की अनइम्पॉर्टेंट चीजों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज करना शुरू कर देती है। तभी विजन बोर्ड, रिटन गोल्स या रिमाइंडर्स जरूरी है हमारे ब्रेन को याद दिलाने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज को याद करना है या किसी चीज को सीख के उसमें बेस्ट बनना है, तो आप उस चीज को हर कुछ देर बाद रिपीट करो, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज पे ध्यान रखा जा सके। रूल नंबर 8, हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी का पूरी तरह से यूज करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंसेस ही बटरी पॉपकॉर्न से सीधा हमें मूवी थिएटर की याद दिलाती है, या बारिश और फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन और जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कुछ याद करना हो, तो आप उसके साथ एक स्मेल या फ्रेग्रेंस को जोड़ सकते हो। अब चाहे ये आपका परफ्यूम हो या रूम कैंडल, आपको जब भी वो स्मेल आएगी, आपको पास्ट में हुई इन्फॉर्मेशन याद आएगी, और इसके चांसेस 10-50% भी हो सकते हैं। रूल नंबर 9, हमारी देखने की सेंस हमारी सभी सेंसेस से ज्यादा होती है। हम विजुअली देखी गई इन्फॉर्मेशन को ज्यादा याद रखते हैं कम्पेयर टू सुनी गई या पढ़ी हुई। आपको बायोग्राफीज पढ़ के शायद याद नहीं होगा कि कौन से पेज नंबर पे एग्जैक्टली क्या बात या सिचुएशन लिखी थी, लेकिन अगर उसी बायोग्राफी पे कोई फिल्म बनी होगी तो उस मूवी के सीन्स आपको अच्छे से याद होंगे, क्योंकि हमने अपनी हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा, सिचुएशन और इंसानों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और फिर उसी विजुअल पावर को हमने आर्ट या लिटरेचर में कन्वर्ट किया, ताकि हम चीजों को विजुअल याद रख सकें। रूल नंबर 10, म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बना सकता है। डॉक्टर मरीना की वाइफ भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं, और उन जैसे ही काफी म्यूजिशियंस को ऑब्जर्व और स्टडी करके ही ऑथर ने जाना कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है, और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल्स को शार्प भी कर सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है, और म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज और वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकता है। ये एज टू एज और इंटरेस्ट में डिपेंड करता है। रूल नंबर 11, मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक बार रिसर्चर लैरी केहिल ने मेल्स और फीमेल्स को एक हॉरर मूवी दिखाई और पाया कि उस दौरान मेल्स के ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा है और लेफ्ट हिस्सा शांत था, वही फीमेल्स का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है। और ऐसी ही काफी केस स्टडीज करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को पता चला कि फीमेल्स मेल से ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और नर्वस हो जाती हैं, और प्यूबर्टी के दौरान वो काफी एंजाइटी भी फील करती हैं। वहीं लड़के प्यूबर्टी के दौरान एंटी सोशल हो जाते हैं। मेल्स और फीमेल्स का इमोशंस को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से काफी अलग होता है। रूल नंबर 12, हम इंसान एक पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिजायर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ज्यादातर अपनी क्लासेस या ऑफिस के क्यूबिकल में ही फंसे रहते हैं, जबकि हम ह्यूमंस नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए और सीखने के लिए बने हैं। हम बचपन में कितने क्यूरियस होते हैं,
हर एक चीज को तोड़ के या खोल के हमें उसके बारे में जानना होता था, लेकिन यही चीज उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। गूगल अपने एम्प्लॉयज को हमेशा एट लीस्ट 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और यही एक्सप्लोरेशन ने जीमेल और गूगल न्यूज आइडियाज को इन्वेंट करा। तो हमें भी बच्चों की तरह ही कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर या ट्राई करते रहना चाहिए ग्रेट आइडिया और ब्रेन ग्रोथ के लिए। तो